हेलो एवरीवन, वेलकम टू पेप कोडिंग। सो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट बाइनरी ट्री फ्रॉम पोस्ट ऑर्डर एंड इन ऑर्डर ट्रेवर्सल। तो बेसिकली क्वेश्चन में हमें पोस्ट ऑर्डर और इन ऑर्डर गिवेन होगा, हमें उस पोस्ट ऑर्डर और इन ऑर्डर को यूज़ करके एक बाइनरी ट्री को कंस्ट्रक्ट करना है। किस फॉर्म में गिवेन होगा, तो हमें बेसिकली दो इनपुट गिवेन होंगे। इनपुट में हमें दो एरे गिवन है। ये दो एरे कैसे हैं, ये डिनोट करता है पोस्ट ऑर्डर को और ये डिनोट कर रहा है इन ऑर्डर को। इन दोनों डेटा की हेल्प से हमें बाइनरी ट्री कंस्ट्रक्ट करना है। कैसे करना है चलिए देखते हैं। तो कुछ इस तरह से बाइनरी ट्री बन के आएगा इस पोस्ट ऑर्डर और इन ऑर्डर की हेल्प से। अब ये हम कैसे करेंगे इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। बेसिकली पोस्ट ऑर्डर में क्या होता है कि डेटा स्टोर होता है लेफ्ट राइट रूट की फॉर्म में, इनमें लेफ्ट रूट और राइट की फॉर्म में, ठीक है। तो अब अगर इस प्रॉपर्टी को यूज़ करें तो हमें ये समझ में आ रहा है कि हमें पहले लेफ्ट सबट्री गिवेन होगा, फिर राइट सबट्री के डेटा गिवेन होंगे, लास्ट में हमारी रूट वैल्यू होगी। पोस्ट ऑर्डर से हमें ये समझ में आया कि रूट वैल्यू जो होगी वो हमारी लास्ट में होगी। अब इस प्रॉपर्टी को ही हम लोग यूज़ करके आगे का काम करेंगे। वो कैसे कि जब अगर हमें ये ज़ीरो इन ऑर्डर में कहीं पे मिल जाता है, ये ज़ीरो अगर हमें इन ऑर्डर में कहीं मिल जाता है तो वो पोजीशन हमारी रूट पोजीशन होगी, वो पोजीशन हमारी रूट पोजीशन होगी, और उसके पहले के एलिमेंट्स हमारे लेफ्ट सबट्री होंगे और उसके बाद के एलिमेंट्स हमारे राइट सबट्री में होंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरह की बात है। तो चेक कर लेते हैं, अगर ज़ीरो हमारा रूट बनता है तो लेफ्ट सबट्री में क्या आएगा, लेफ्ट सबट्री में क्या ये सारे एलिमेंट्स आएंगे, देख लेते हैं। वन वन है, थ्री है, हाँ, फोर फोर, सेवन एट नाइन टेन, सेवन एट नाइन टेन, तो ये हमारा लेफ्ट सब ट्री है। टू फाइव सिक्स इलेवन, टू फाइव सिक्स इलेवन, ये हमारा राइट सब ट्री में है। तो ये चीज़ हमने नोटिस कर ली। अब आगे की बात देखते हैं। हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले तो इंडेक्सिंग कर लेंगे। कैसे, ये इन ऑर्डर है, ये पोस्ट ऑर्डर है, तो पोस्ट ऑर्डर का स्टार्टिंग इंडेक्स ले लेंगे कुछ और इन ऑर्डर का स्टार्टिंग इंडेक्स ले लेंगे कुछ, ठीक है। पोस्ट ऑर्डर का एंडिंग इंडेक्स हो जाएगा ये इन ऑर्डर का एंडिंग इंडेक्स हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब हमें कैसे वर्क करना है, हमें कुछ ऐसे काम करना है कि हमें ये पोजीशन फाइंड करनी है कि कहाँ पे हमें रूट वैल्यू मिलेगी हमारे इन ऑर्डर में इस वैल्यू का। ये तो हमें पता है कि पोस्ट में एंड में रूट होगा। अब इस रूट को अपने इन ऑर्डर में फाइंड करना है और इन ऑर्डर में फाइंड करने के बाद में हमें यहाँ से ही अपना लेफ्ट और राइट सबट्री डिवाइड कर देना है, ठीक है। इतनी बात तो समझ में आ गई। अब इसके लिए अगर कंडीशन लगाएंगे तो क्या लगाएंगे, सपोज हमारे पास इन ऑर्डर है और हमारे पास पोस्ट ऑर्डर है, ठीक है। हम अपने इन ऑर्डर में चेक करना स्टार्ट करेंगे। पहले तो हम इसे कहीं स्टोर कर लेंगे, कैसे कि हमारे पोस्ट ऑर्डर के का PEI, ठीक है, ये हमने एलिमेंट स्टोर कर लिया। पोस्ट ऑर्डर का PEI में क्या होगा, 11, IEI में भी 11, ये 0, ये 0, ठीक है। अब पोस्ट ऑर्डर का PEI हमने स्टोर कर लिया कि ये एलिमेंट हमारा ज़ीरो है। अब इस ज़ीरो ज़ीरो एलिमेंट को हम अपने इन ऑर्डर में फाइंड करेंगे। एक IDX नाम का वेरिएबल ले लेंगे, उसे स्टार्ट कर देंगे इन ऑर्डर के स्टार्टिंग इंडेक्स से और उसको बढ़ाते रहेंगे, चेक करते रहेंगे। ज़ीरो पे चेक करेंगे क्या ज़ीरो है, नहीं है। वन पे चेक करेंगे ज़ीरो है, नहीं है। टू पे ज़ीरो है, थ्री पे ज़ीरो है, फोर पे ज़ीरो है, नहीं है। जब तक नहीं है तब तक IDX को बढ़ाते रहेंगे। तो इन ऑर्डर के IDX को कब तक बढ़ाते रहेंगे, जब तक कि वो बराबर नहीं हो जाता है पोस्ट ऑर्डर के PEI से। तो बढ़ते बढ़ते यहाँ पे आया,
तो आई डी एक्स जब 7 हो गया तब जाके ये रुकेगा, ये लूप टर्मिनेट होगा, ये वाइल लूप लगाया है ठीक है। ये आई डी एक्स कब तक बढ़ता रहेगा, आई डी एक्स तब तक बढ़ता रहेगा जब तक हमें अपनी पोजीशन नहीं मिल जाती, जब तक हमारा इन ऑर्डर ऑफ आई डी एक्स बराबर नहीं हो जाता पोस्ट ऑर्डर ऑफ पी आई के, तो इस पोजीशन पे आके हमारा लूप रुक जाएगा ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम फाइंड कर लेंगे। देखो ये तो समझ में आ रहा है, बाइनरी ट्री है, एक लेफ्ट की कॉल लगेगी एक राइट की कॉल लगेगी, तो अब हमें रूट वैल्यू मिल गई, तो हम ये फाइंड कर लेंगे कि हमारा जो लेफ्ट सब ट्री है उसमें टोटल कितने एलिमेंट्स हैं। तो वो कैसे फाइंड करेंगे, एक वेरिएबल ले लिया टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे फाइंड करेंगे, देखो तो अगर हमें गिवेन होता है कि हमें फाइंड करना है जीरो से, सपोज ये नहीं गिवेन है, हमें गिवेन है हमें फाइंड करना है 13 to 19 के बीच में कितने एलिमेंट्स हैं ठीक है। 13 to 19 के बीच में फाइंड करने हैं 19, एक्सक्लूडिंग 19 एंड इंक्लूडिंग 13, तो ऐसे काउंट करेंगे तो 13 14 15 16 17 18, 1 2 3 4 5 6, 6 एलिमेंट्स होंगे। पर फॉर्मूले के हिसाब से देखेंगे तो 19 माइनस 13 कर देंगे तो 6 आ जाएगा। तो कुछ ऐसी ही बात इसके साथ भी करेंगे, हमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने, हमने आई डी एक्स माइनस क्या कर दिया आई एन एस आई, आई एन इसको आई ई आई लिया है ना, तो इसको भी आई एस आई ले लेते हैं ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं होगी, वरना आई एस आई और आई एन एस आई और आई ई आई में कंफ्यूजन हो जाती है। ये इन ऑर्डर का स्टार्टिंग इंडेक्स है, ये इन ऑर्डर का एंडिंग इंडेक्स है ठीक है। तो ठीक है, इन ऑर्डर के स्टार्टिंग इंडेक्स को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, इतना करने से हमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिल जाएंगे, यानी 7 माइनस 0, तो हमारे लेफ्ट सबट्री में टोटल 7 एलिमेंट्स हैं। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, हमें नेक्स्ट कुछ फॉर्मूलेस पे वर्क करना है। कैसे फॉर्मूलेस पे, कि जब हमें ये लेफ्ट सबट्री मिल गया ना, तो हम ये फाइंड कर लेंगे कि हमारा आई एस आई ओवरऑल देखें तो इन ऑर्डर में लेफ्ट सबट्री की रेंज कहाँ से कहाँ तक है, राइट सबट्री की रेंज कहाँ से कहाँ तक। हमारे पास दो चीज़ें हैं ना, पोस्ट ऑर्डर और इन ऑर्डर। पोस्ट ऑर्डर में फाइंड कर लेंगे कि लेफ्ट सबट्री की रेंज कहाँ से कहाँ तक है, लेफ्ट सबट्री रेंज राइट सबट्री की रेंज ठीक है, और इन ऑर्डर में भी फाइंड कर लेंगे लेफ्ट सबट्री की रेंज और राइट सबट्री की रेंज। अब रेंज क्या है, रेंज किसी चीज़ से किसी चीज़ के बीच में ही तो होगी। अब अगर इन ऑर्डर की बात करें, इन ऑर्डर की बात करें तो रेंज कहाँ से है, लेफ्ट सबट्री की रेंज 0 से 6 तक ही तो है, और इसी तरह अगर इसी इन ऑर्डर की राइट सबट्री की बात करें तो इसकी रेंज यहाँ से 8 से 11 तक ही तो है। इसी तरह पोस्ट ऑर्डर के लेफ्ट सबट्री की बात करें तो ये है 7 से, देखो इसके लिए सिंपल सा तरीका देख लो, इन ऑर्डर की रेंज अगर 7 से 10 तक है, मतलब 0 से 6 इंडेक्स तक है, तो पोस्ट ऑर्डर का लेफ्ट सबट्री भी 0 से 6 इंडेक्स तक होगा। क्रॉस चेक करने के लिए 2 मिनट ट्री की तरफ चलते हैं ठीक है। तो इन ऑर्डर की बात करें या पोस्ट ऑर्डर की बात करें, जितने एलिमेंट्स इन ऑर्डर के लेफ्ट सब ट्री में होंगे उतने ही एलिमेंट्स पोस्ट ऑर्डर के लेफ्ट सब ट्री में भी होंगे ठीक है। ये 1 तक जाएगा ठीक है, हमने अभी चेक किया था तो हमारे इन ऑर्डर के लेफ्ट सब ट्री में ये एलिमेंट्स थे, ये हम लोग अभी चेक कर चुके हैं। पोस्ट ऑर्डर के और देख लेते हैं, पोस्ट ऑर्डर में 1 3 4 है, 1 3 4 है, 7 8 9 है, 7 8 9 है, 7 8 9 10, 10 भी है ठीक है। तो ये सारे एलिमेंट्स पोस्ट ऑर्डर के ही, तो इतनी बात समझ में आ गई होगी ठीक है। तो ये हमारे पोस्ट ऑर्डर के लेफ्ट सबट्री की रेंज हो गई, ये हमारे पोस्ट ऑर्डर के राइट सबट्री की रेंज हो गई ठीक है।
अब इस रेंज के लिए एक फॉर्मूला भी रेडी कर लेंगे। कैसे करेंगे, तो पहले कुछ लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे, रेंज लिखनी है ना, तो पहले तो लेफ्ट सब ट्री किसका, फर्स्ट ऑर्डर का लेफ्ट सब ट्री, ठीक है, और इन ऑर्डर का लेफ्ट सब ट्री, मतलब इसकी बात कर रहे हैं, पोस्ट ऑर्डर का लेफ्ट सब ट्री, इन ऑर्डर का लेफ्ट सब ट्री, ठीक। फिर लेफ्ट के लिए कॉल लगेंगी, राइट के लिए भी तो कॉल लगेंगी, पोस्ट ऑर्डर का राइट सब ट्री मीन्स पोस्ट ऑर्डर का राइट सब ट्री, इन ऑर्डर का भी राइट सब ट्री, इन ऑर्डर का भी राइट सब ट्री। अब इनकी रेंज कैसे निकालेंगे, हमारे पास क्या क्या, हमारे पास पी एस आई है, पी आई है, आई एस आई है, आई ई आई है, आई डी एक्स है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो ओवरऑल 1 2 3 4 5 सिक्स सिक्स वेरिएबल्स हमारे पास हैं। लेफ्ट पोस्ट ऑर्डर के लेफ्ट सब ट्री की रेंज निकालनी, पोस्ट ऑर्डर के लेफ्ट सब ट्री की रेंज कहाँ से है, पी एस आई से, पी एस आई से लेकर के कहाँ तक है, ये इंडेक्सिंग अगर देखी जाए तो हमारे पास जितने हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो आए थे, हमारे पास 7 थे, 0 से 7 तक की इंडेक्सिंग थी, वही टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास 7 हैं, 7 टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो पी एस आई कहाँ तक जाए, वो लेफ्ट सब ट्री, पोस्ट ऑर्डर का लेफ्ट सब ट्री पी एस आई से जाएगा, पी एस आई प्लस टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो ये कितना हुआ, 0 2 0 2 0 प्लस 7, यानी 7 इंडेक्सिंग तक, पर ये तो 6 तक ही है ना, -1, ठीक है, तो ये हमारी रेंज होगी लेफ्ट सब ट्री के लिए, पोस्ट ऑर्डर के लेफ्ट सब ट्री के लिए। इन ऑर्डर के लेफ्ट सब ट्री के लिए देखते हैं, तो इन ऑर्डर का स्टार्टिंग इंडेक्स आईडीएक्स तक हमारे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स गए थे, ये आईडीएक्स चल रहा था इसके लिए, तो आईडीएक्स -1 कर देंगे, ठीक है, 6 तक। अब पोस्ट ऑर्डर के राइट सब ट्री के लिए, पोस्ट ऑर्डर के राइट सब ट्री, यहाँ पे रेंज खत्म हुई थी, -1 था, ये -1 हटा दो, तो पी एस आई प्लस टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, एंड कहाँ पे होगा, पी आई है, पी आई से एक पीछे, पी आई से -1, ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद इन ऑर्डर का राइट सब ट्री, इन ऑर्डर का राइट सब ट्री ये आईडीएक्स था, आईडीएक्स प्लस 1 से आईई आई तक, ठीक है, इतना भी हो गया। अब क्या करना है, अब हम इन्हीं का यूज करेंगे, ये जितने वेरिएबल्स हमने बनाए हैं इसे थोड़ा अलग कर लेते हैं, अब इसमें काम करना स्टार्ट करते हैं। तो इतना तो समझ में आ गया कि हमें एक लेफ्ट सब ट्री के लिए कॉल लगानी, एक राइट सब ट्री के लिए कॉल लगानी है, तो स्टार्ट करते हैं। हम क्या क्या पास करेंगे, हम अपने रिकर्सिव कॉल में पास करेंगे, पहले तो पोस्ट ऑर्डर का जो भी वेक्टर एरे एरे होगा या वेक्टर होगा जो भी होगा वो, इसके बाद पोस्ट ऑर्डर का स्टार्टिंग इंडेक्स, फिर पोस्ट ऑर्डर का ही एंडिंग इंडेक्स, इसके बाद इन ऑर्डर पास करेंगे, इसके बाद इन ऑर्डर का स्टार्टिंग इंडेक्स और इन ऑर्डर का एंडिंग इंडेक्स, ठीक है, यही काम जो काम पोस्ट के लिए कर रहे हैं
यही काम तो, जो काम पोस्ट के लिए चल रहा है ना हमारा, ये लेफ्ट के लिए भी जाएगा राइट के लिए भी जाएगा। तो एक कॉल लगेगी लेफ्ट के लिए और ऐसी ही एक कॉल लगेगी राइट के लिए, ठीक है। तो स्टैक डायग्राम के साथ अपनी वर्किंग स्टार्ट करते हैं। तो ये पार्ट तो विजिबल होगा नहीं, ये कुछ कम सही दिख रहा है। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसमें क्या क्या जाएगा, इसमें पोस्ट ऑर्डर का स्टार्टिंग इंडेक्स, पोस्ट ऑर्डर का स्टार्टिंग इंडेक्स, पोस्ट ऑर्डर का एंडिंग इंडेक्स, इन ऑर्डर का स्टार्टिंग इंडेक्स, इन ऑर्डर का एंडिंग इंडेक्स, ठीक है। तो इनिशियल लेवल पे बात करें तो पोस्ट ऑर्डर का स्टार्टिंग इंडेक्स 0, ठीक है, और पोस्ट ऑर्डर का एंडिंग इंडेक्स भी, पोस्ट ऑर्डर का एंडिंग इंडेक्स 11, इन ऑर्डर का स्टार्टिंग इंडेक्स 0, इन ऑर्डर का एंडिंग इंडेक्स 11, ठीक है। लेफ्ट के लिए कॉल लगाएंगे, लेफ्ट सब ट्री के लिए। लेफ्ट के लिए कॉल लगी तो अब हम इन दो चीजों को नोटिस करेंगे, ठीक है। तो PSI की वैल्यू क्या पास होगी, PSI, और PEI की वैल्यू क्या हो जाएगी, PSI प्लस TNEL माइनस 1। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स अभी तक हमारे हैं 7, 7 प्लस 0 माइनस 1 6, ठीक है। ISI की वैल्यू, ISI की वैल्यू क्या है, 0। IEI की वैल्यू क्या है, IDX माइनस 1, IDX हमारा है 7, 7 माइनस 1 6। इसके बाद फिर से लेफ्ट की कॉल लग जाएगी, ठीक है, फिर से लेफ्ट की कॉल लगी, लेफ्ट की कॉल लगी तो अगेन हमारा लूप की लूप चेक हुआ, वो तो हो ही चुका था। इसके बाद टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पे देखेंगे क्या हुए। तो कॉल लगने के बाद में एक चीज़ और चेक करनी है, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स अब कितने बचे। टोटल ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल्स टू IDX माइनस ISI, ठीक है। और ये वाला लूप चलेगा इसके पहले, तो एक काम करते हैं इसको यहां से हटा करके इस लूप के बाद में लिख देते हैं कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल्स टू IDX माइनस ISI, ठीक है। अब दोबारा से लूप चलेगा, ये पहला काम था, ये दूसरा काम, ठीक। अब दोबारा से लूप चला तो IDX की वैल्यू चेक किया इसने कहाँ पे इक्वल हुई। अब इस लेफ्ट सब ट्री इस में जब चेक होगा, ये वन अब हमारा रूट वन हो चुका है, तो अब वन यहाँ पे चेक होगा तो IDX की वैल्यू क्या हो जाएगी, IDX की वैल्यू 3 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आके IDX की वैल्यू हो गई 3। अब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर फाइंड करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, IDX माइनस ISI, IDX माइनस ISI 0, तो एलिमेंट्स हो जाएंगे 3। अब फिर से लेफ्ट की कॉल लगी है तो PSI पास होगा, PSI तो 0 ही है, PSI 0 ही है, PSI प्लस टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स माइनस 1, तो 0 प्लस 3 माइनस 1 मीन्स 2। PEI की वैल्यू क्या है, PEI की वैल्यू तो पास हो गई। ISI क्या है, ISI में पास होगा, ISI की वैल्यू तो 0 ही है तो 0 ही रहेगी।
ई की वैल्यू क्या हुई, आई डी एक्स माइनस वन, सो आई डी एक्स क्या है हमारा, 3 है, 3 माइनस 1 2, तो फिर से लेफ्ट की कॉल लगी, लेफ्ट की कॉल लगने के टाइम पे हमारे आई डी एक्स और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स चेंज होंगे, तो क्या हो जाएंगे, इन ऑर्डर में चेक हुआ, 3 एलिमेंट्स बचे थे, अब वापस से चेक होगा, अब रूट हमारा इस टाइम के लिए क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब ये 3 को इसमें चेक करेगा कहाँ पे मिलेगा, आई डी एक्स इक्वल्स टू वन में मिलेगा, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आई डी एक्स माइनस आई एस आई तो 1 हो जाएंगे, ठीक है। अब फिर से लेफ्ट की कॉल लगी है तो पी एस आई की वैल्यू में क्या आ जाएगा, 0 ही, पोस्ट ऑर्डर के स्टार्टिंग इंडेक्स पी एस आई 0 प्लस 1 माइनस 1 0, आई एस आई 0, आई डी एक्स माइनस 1, आई डी एक्स तो 1 था, 1 माइनस 1 0, तो ये फिर से यहाँ पे सारे वैल्यू 0 हो गई। ऐसा करते हैं हम यहाँ पे अपना आई डी एक्स भी लिख लेते हैं, यहाँ पे हमारा आई डी एक्स क्या था, फर्स्ट टाइम पे 7 था, यहाँ पे आके हमारा आई डी एक्स क्या हुआ था, रिड्यूस होके 3 हुआ था, यहाँ पे हमारा आई डी एक्स आके 1 हुआ था, यहाँ पे आके आई डी एक्स हमारा 0 हुआ था, ठीक है। तो जब हमने इसकी लेफ्ट कॉल लगाई तो पी एस आई की वैल्यू पी एस आई ही रहेगी, पी एस आई प्लस टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो कि 0 हैं, 0 प्लस 0 माइनस 1, तो ये हो जाएगी -1, आई एस आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगेन आई एस आई, आई आई की वैल्यू टोटल नंबर आई डी एक्स माइनस 1, आई डी एक्स 0 है, 0 माइनस 1। अब अगर हम चाहते तो बेस केस अपना यहाँ पे भी लगा सकते थे, बट अगर ट्री की बात करें तो यहाँ पे आई डी एक्स 7 था, तो 7 0 के लिए कॉल लगी थी, 7 में 0 था, 0 के लिए कॉल लगी थी, फिर लेफ्ट के लिए कॉल लगी थी तो थ्री इंडेक्स पे 1 आया था, फिर लेफ्ट के लिए कॉल लगी थी तो 1 इंडेक्स पे 3 आया था, इसके बाद फिर से 0 के लिए लेफ्ट के लिए कॉल लगी थी तो 0 इंडेक्स पे 7 आया था। अब अगर हम यहीं से रिटर्न कर जाएंगे ना तो फिर हमें लिंक बनाने में प्रॉब्लम होगी, इसलिए हमने एक एक्स्ट्रा कॉल लगा दी, एक्स्ट्रा कॉल लगाई, बेस केस कहाँ पे हिट हुआ जाके, जब हमारा बेस केस पे अभी ज़्यादा नहीं डिस्कस करेंगे, ये मान के चलते हैं कि अगर हमारा इन ऑर्डर का स्टार्टिंग इंडेक्स जो है बड़ा हो जाए किससे, एंडिंग इंडेक्स से, यहाँ पे तो क्या था कि स्टार्टिंग इंडेक्स और एंडिंग इंडेक्स बराबर था, यहाँ पे हमेशा स्टार्टिंग इंडेक्स तो कम ही रहेगा ना एंडिंग इंडेक्स से, पर जहाँ केस बना कि स्टार्टिंग इंडेक्स बड़ा हो गया एंडिंग इंडेक्स से, तो वहाँ से ही हम रिटर्न कर जाएंगे, ठीक है। तो अब रिटर्न करेंगे क्या, नल वैल्यू रिटर्न कर देंगे, वो नल वैल्यू कहाँ पे अटैच होगी जाके, वो इसके नोड डॉट, मतलब यहाँ से कॉल लगी थी ना, लेफ्ट के लिए कॉल लगी तो यहाँ से कुछ रिटर्न करेगा तो इसी को तो देगा ना, लेफ्ट के लिए कॉल लगी थी इसी को तो देगा, यहाँ से रिटर्न किया नल, वो नल जा कर के अटैच हुआ इसके लेफ्ट में, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, ये कंप्लीट करने के बाद राइट की कॉल लगेगी, ठीक है, तो स्टैक से ये रिमूव कर देते हैं, राइट की कॉल लगाते हैं। अब राइट की कॉल के लिए देखते हैं क्या होगा, यहाँ पे पी एस आई प्लस टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, अगर हम यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट भी मेंटेन करते हुए चले ना तो शायद ज़्यादा आसानी रहेगी, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट आई डी एक्स 7 के केस में कितने थे, 7 थे, आई डी एक्स 3 के केस में 3 थे, आई डी एक्स 1 के केस में 1 थे, और यहाँ पे 0, ठीक है। तो
क्या करते हैं, जब राइट की कॉल यहाँ से लगेगी, राइट की कॉल के लिए देखते हैं। अब इन इन स्टेटमेंट्स को थोड़ी देर के लिए तो भूल जाओ, जब राइट की कॉल लगेगी तो इन स्टेटमेंट्स को यूज़ करेंगे। तो PSI प्लस टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, PSI क्या है, जीरो, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी जीरो। इसके बाद ISI देखेंगे, तो IDX प्लस वन, IDX प्लस वन क्या है, वन, ठीक है। और IEI क्या है, IEI है जीरो। तो इस केस में क्या हुआ कि हमारा जो ISI है वो ग्रेटर देन हो गया IEI के, तो ये क्या रिटर्न करेगा, नल रिटर्न करेगा, नल रिटर्न करेगा। ये नल जाके कहाँ अटैच होगा, राइट की कॉल लगी थी, नल जाके राइट के कॉल में अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो इसके राइट में नल अटैच हो गया। अब क्या करेंगे, इसकी दोनों कॉल्स फिनिश हो गई, इसकी दोनों कॉल्स फिनिश हो गई, तो अब इसको रिमूव कर देते हैं। ये क्लियर हो गया स्टैक से, तो इसकी लेफ्ट की कॉल हो चुकी है, इसकी राइट की कॉल लगेगी। अब राइट की कॉल के लिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। राइट के कॉल के लिए हमारी क्या रेंज है, PSI में 0 से 2, 0 से 2, ठीक है। अब यहां से लगी राइट की कॉल, तो PSI प्लस टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पे क्या थे, वन थे। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स वन, 0 प्लस 1, 1, PEI माइनस 1, 2 माइनस 1, 1, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि 0 से IDX प्लस 1 हुआ, तो IDX है हमारा 1, 1 प्लस 1 2, इसके बाद IEI, IEI रहेगा, ठीक है। ये हमारी राइट की कॉल लग गई। अब यहाँ से 1 से 1 देखेंगे तो ये है, 2 से 2 ये है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए 0, और IDX की वैल्यू हमारी है 2, ठीक है। अब आगे लेफ्ट की कॉल लगाते हैं, लेफ्ट की कॉल के लिए PSI, PSI ही रहेगा। PEI की वैल्यू हो जाएगी PSI प्लस टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स माइनस 1, तो 1 प्लस 0 माइनस 1, 0। इसके बाद ISI की वैल्यू हो जाएगी ISI ही रहेगी, IDX माइनस 1, 1 हो जाएगी। यहाँ पे हमारा बेस केस हिट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से नल रिटर्न करेगा, नल रिटर्न करके इसके लेफ्ट में अटैच होगा। यहाँ पे IDX की वैल्यू 2 थी, 2 में 8 था, तो 8 के लिए लेफ्ट की कॉल लगी थी, यहाँ से नल रिटर्न हुआ था, ये नल जाके 8 के लेफ्ट में अटैच हो गया। अब इसकी लेफ्ट कॉल कंप्लीट हो गई, अब इसकी राइट कॉल लगेगी, ठीक है। लेफ्ट कॉल कंप्लीटेड, राइट कॉल लगेगी। राइट कॉल में क्या होगा, PSI प्लस यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 से 1 की रेंज में 0 ही है, 1 से 1, 2 से 2, इंडेक्स भी 2 है, ठीक है। राइट के कॉल में क्या हुआ, PSI प्लस टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो ये हो रहा 1 ही। PEI में क्या हुआ, PEI माइनस 1, तो ये हुआ 0। अब ISI की वैल्यू हुई, लेफ्ट राइट की कॉल है ना, ISI की वैल्यू IDX प्लस 1 यानी 3, और IEI, IEI रहेगा। यहाँ पे फिर से बेस केस हिट हुआ, रिटर्न किया नल, जो कि इसमें लगा जा करके, तो ये नल अटैच हो गया इसके राइट में, तो इसके राइट में नल अटैच हो गया। इसकी लेफ्ट और राइट की कॉल दोनों लग गई, अब यहाँ से जो रिटर्न होगा वो इसके राइट में अटैच हो जाएगा जाके, क्योंकि इसके राइट से ही तो कॉल लगी थी।
अब ये आई डी एक्स इक्वल्स टू टू में एट है, तो ये एट जाके अटैच होगा इसके राइट में, यानी आई डी एक्स इक्वल्स टू वन में. आई डी एक्स इक्वल्स टू वन में थ्री है, थ्री के राइट में अटैच हो गया. ये तो अटैच हो ही चुका था, ठीक है. इतना काम कंप्लीट हो चुका है. अब क्या है, इसके लेफ्ट, इसकी राइट की कॉल भी लग गई थी, इसकी लेफ्ट की कॉल भी लग गई थी. तो इसको स्टैक से हटा देते हैं. इसने राइट में रिसीव किया, रिसीव करने के बाद इसने रिटर्न भी कर दिया था, तो ये जा करके इसके लेफ्ट में अटैच हो गया. यहाँ आई डी एक्स इक्वल्स टू थ्री में वन था, तो ये थ्री जा करके आई डी एक्स इक्वल्स टू वन में क्या था, थ्री था. आई डी एक्स इक्वल्स टू थ्री में क्या था, वन था, तो वन के लेफ्ट में थ्री अटैच हो गया, ठीक है. ये भी काम हो गया. अब क्या बचा, इसकी लेफ्ट कॉल लगी थी, इसकी राइट कॉल बची है, तो इसे रिमूव करते हैं स्टैक से और इसके लिए राइट की कॉल लगाते हैं. इधर से राइट की कॉल लगी. राइट की कॉल लगने के बाद में पी एस आई की वैल्यू 0 से 6, 0 से 6, तो 0 से 6 की रेंज में रूट हमारा क्या है, 1 है. तो 1 यहाँ पे आई डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी 3. 3 के बाद में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, 3, ठीक है. आगे बढ़ते हैं. राइट की कॉल लगी, पी एस आई प्लस टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसे हटा देते हैं. पी एस आई प्लस टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं 3, ये हो गया 3. पी आई में पी आई माइनस 1, तो ये हुआ 5. आई एस आई में, आई डी एक्स प्लस 1, ये हुआ 4. आई ई आई में आई ई आई रहेगा 6. फिर इधर से लगी लेफ्ट की कॉल, इधर से लेफ्ट की कॉल लगी, तो 3 5 4 6, 3 5 4 6 6 में 4 हमारा रूट है, तो आई डी एक्स की वैल्यू हो गई 5. आई डी एक्स की वैल्यू हो गई यहाँ पे 5, ठीक है. आई डी एक्स की वैल्यू हो गई 5, और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 से 5, 4 से, आई डी एक्स की वैल्यू 5 है, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए 1, ठीक है. तो अब 3 से 3 के लिए लेफ्ट, इसके लिए लेफ्ट की कॉल लगी है, तो देखते हैं पी एस आई में पी एस आई ही रहेगा, पी आई में पी एस आई प्लस टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स माइनस 1, तो 3 प्लस 1 माइनस 1, ये हुआ 3. इसके बाद आई एस आई में हो जाएगा, आई एस आई ही रहेगा 4. आई डी एक्स माइनस 1, ये हो जाएगा 4. अब हमने अगर एक चीज़ नोटिस की होगी, तो जितनी बार ये दोनों इक्वल, मतलब पी एस आई और पी ई आई बराबर हो रहे हैं, आई एस आई और आई ई आई बराबर हो रहे हैं, तो इसका मतलब यही तो है कि एक रूट वैल्यू हमें मिल गई है, ठीक है. आई डी एक्स इक्वल्स टू 3 में एक रूट वैल्यू हमें मिल गई है. सॉरी, आई डी एक्स इक्वल्स टू 4 पे एक रूट वैल्यू हमें मिल गई है. तो हम इसके आगे जाएंगे तो हम बेस कंडीशन हिट करेंगे, हम नल रिटर्न करेंगे, वो नल वैल्यू जा करके अटैच हो जाएगी उस आई डी एक्स इक्वल्स टू 4 पे जो वैल्यू पड़ी उस पे, ठीक है. तो हम ऐसा करते हैं, यहाँ से लेफ्ट की कॉल लगी थी ना, तो यहाँ आई डी एक्स इक्वल्स टू 5 था, आई डी एक्स इक्वल्स टू 5 पे वैल्यू थी 4, ये वैल्यू थी 4, तो 4 की एक, चलो इसको घट ही करा लेते हैं. यहाँ से लेफ्ट की कॉल लगी, यहाँ पे बेस केस हिट हुआ, यहाँ पे नल रिटर्न हुआ, ये नल जाके इसके लेफ्ट में अटैच हुआ, ठीक है. तो आई डी एक्स इक्वल्स टू 4 में 9 पड़ा है, 9 के लेफ्ट में जा करके नल अटैच हो गया. फिर यहाँ से राइट की कॉल लगी, बेस केस हिट हुआ, यहाँ से भी नल रिटर्न किया, ये भी 9 9 में अटैच, इसकी दोनों कॉल्स लग चुकी हैं, अब ये जा करके अटैच होगा किसी चीज़ में. किस में होगा, इसकी दोनों कॉल इसके लेफ्ट में होगा, आई डी एक्स इक्वल्स टू 5 के लेफ्ट में होगा. आई डी एक्स इक्वल्स टू 5 में क्या पड़ा है, 4, तो ये जा करके 4 के
लेफ्ट में अटैच होगा, ठीक है। अब क्या है, यहां से फिर कॉल लगेगी राइट के लिए, तब तक ये स्टैक एम्प्टी हो चुका होगा, तो इसको हटा देते हैं। ये एम्प्टी हो चुका है, अब यहां से राइट की कॉल लगी है, राइट की कॉल लगी 3 से 5, 4 से 6, पोस्ट में 3 से 5 और इनमें 4 से 6, तो रूट वैल्यू हुई 1। तो ये यहां पे है, तो 3 से 5, 4 से 6 में ये हमारी रूट वैल्यू हो गई, मीन्स ये IDX इक्वल्स टू 5 पे और एलिमेंट्स है 1, ठीक है। राइट की कॉल लगी PSI प्लस टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 1, ये हो गया 4। PI तो PI माइनस 1 हो जाएगा, तो 5 माइनस 1 4 हुआ। ISI की वैल्यू हो जाएगी, ISI ही रहेगी, राइट की कॉल है ना, तो ISI की वैल्यू IDX+1, IDX+1 यानी 6, 5 प्लस 1 6, और आगे होगा IEI, IEI ही रहेगा, ठीक है। इतना हो गया, यहाँ इक्वल हुई है वैल्यूज, इसका मतलब आगे जाके बेस केस हिट होगा, लेफ्ट की कॉल लगेगी, बेस केस हिट होगा, रिटर्न करेगा, इसके लेफ्ट में नल अटैच हो जाएगा। ये कौन सी नोड बनी है यहाँ पे आके हमारी, 4 4 6 6 में 9, 9 वाली बनी थी, तो इसके लेफ्ट में नल अटैच हो गया, इसके राइट में नल अटैच हो गया, ठीक है। तो यहाँ से रिटर्न कर गए थे, यहाँ से राइट की कॉल लगी थी, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ मिस हो गया है, यहां से राइट की कॉल लगी थी, तो मैं 3 5 4 6 मिला था, यहां से नल रिटर्न हुआ, ये नल अटैच हो गए 3 5 4 6 में, 3 5 सॉरी ये हटा देते हैं, 3 5 पोस्ट का है, 3 5 पोस्ट का है, 4 6 यहाँ का है, तो ये 5 पे हमें 4 मिला था, तो ये 4 जा करके रिटर्न हुआ था इस पे, यहाँ से तो नल मिल ही गया था, ये 4 जाके रिटर्न हुआ था इस पे, यहाँ से 9 मिला था, 9 इसके राइट में अटैच हुआ, 4 के राइट में अटैच हुआ 9, फिर यहाँ से रिटर्न किया 4 को, 4 कहाँ अटैच हुआ जाके IDX इक्वल्स टू 3 पे, 1 है इसके राइट पे, ठीक है। यहाँ तक कॉल लग चुकी है लेफ्ट और राइट की, अब क्या बचा है, यहां तक लेफ्ट और राइट की कॉल लग चुकी है, राइट की भी कॉल लग चुकी है। अब यहां से जो रिटर्न होगा ना, वो इसके लेफ्ट में जाके अटैच होगा, इसके लेफ्ट में जाके, इसके लेफ्ट में, क्योंकि IDX इक्वल्स टू 7 पे तो 0 पड़ा है ना, तो इसके लेफ्ट में अटैच हो गया। अब जैसे हमने लेफ्ट साइड के लिए किया था, अब सेम ऐसे ही फिर से राइट के लिए लगेगा, ठीक है। यहां तक लेफ्ट राइट कंप्लीट हो गई, अब यहां पे लेफ्ट कंप्लीट हो गई, राइट के लिए स्टार्ट होगा। अब लेफ्ट के लिए हमने इतना काम किया है, इतना काम करने के बाद में उसको अटैच कर दिया है 0 से, तो अगर यहाँ पे हम फेथ और एक्सपेक्टेशन की बात करें, तो हम ये कह सकते हैं कि हमने पहले अपना रूट फाइंड कर लिया था, ठीक, फिर हमने अपने लेफ्ट को कॉल लगा दी कि लेफ्ट जाओ और अपना बाइनरी ट्री रेडी करके ले आओ, ठीक है। लेफ्ट अपना बाइनरी ट्री रेडी करके ले आया, उसके बाद क्या किया, राइट को कॉल लगा दी, राइट को कॉल लगा दी, फिर राइट ने अपना ट्री रेडी करके ले आया, और मैंने क्या किया, मैंने लेफ्ट वाले सब ट्री को अपने लेफ्ट में अटैच कर लिया, राइट वाले सब ट्री को अपने राइट में अटैच कर लिया। तो ये हाफ
ये हाफ के लिए मैंने ड्राई करके दिखा दी है वर्किंग पूरी, जैसे लेफ्ट साइड के लिए की है वैसे राइट के लिए वापस से कॉज लगेंगे लाइट लेफ्ट और राइट के लिए। तो चलते हैं इसका कोड कर लेते हैं आगे। तो कोड स्टार्ट करते हैं इसके लिए। सबसे पहला काम क्या है कि साइज निकाल लेंगे इसका, इन ऑर्डर का क्यों निकालेंगे ये भी अभी जान लेंगे। अभी जितना हम लोगों ने डिस्कशन किया था उसके अकॉर्डिंग देखें तो हमने क्या क्या पास किया था, हमने PSI, ISI, PEI, IEI ये चार चीज़ें पास करेंगे। तो PEI के लिए 11 पास हुआ है जो कि साइज है इस इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर का साइज है 12, 12 एलिमेंट्स हैं 12 -1, तो इसके लिए हमने n की वैल्यू निकाल ली है। ठीक है, तो फंक्शन बना लेते हैं। इसमें क्या क्या पास करेंगे, पहली चीज तो इन ऑर्डर, देन पोस्ट ऑर्डर कॉमा इन ऑर्डर तो पास करेंगे ही, इसके अलावा और क्या था, पोस्ट ऑर्डर का स्टार्टिंग इंडेक्स, पोस्ट ऑर्डर का एंडिंग इंडेक्स, वो वैल्यू क्या थी, और इन ऑर्डर का स्टार्टिंग इंडेक्स, इन ऑर्डर का एंडिंग इंडेक्स। ठीक है, तो फंक्शन बना लेते हैं। क्या क्या पास होगा इसमें, पोस्ट ऑर्डर ऑर्डर और इन ऑर्डर पास होगा, इन ऑर्डर और PSI, PEI इंट PSI, PEI इसके अलावा और क्या पास होगा, ISI इन ऑर्डर का स्टार्टिंग इंडेक्स, इन ऑर्डर का एंडिंग इंडेक्स। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, PSI को क्या पास करना है 0, PEI को n-1, ISI को भी 0, एंडिंग इंडेक्स को n-1। तो अब अपने फंक्शन पे वर्क करते हैं। तो हमारी बेस कंडीशन क्या थी, इफ ISI इज ग्रेटर देन IEI देन रिटर्न नल PTR। इफ ISI इज ग्रेटर देन IEI देन सिंपली रिटर्न नल PTR। ओके, दो कॉल्स लग रही थी, बिल्ड ट्री की
है। एक और कॉल लगेगी। ये PSI पास हो गया, PEI पास हुआ इन ऑर्डर। अब हमें क्या चेक करना है कि इसमें चेंजेस क्या होंगे कॉलिंग के टाइम पे। तो हम देख लेते हैं, हमने फॉर्मूला जनरेट किया था जब लेफ्ट की कॉल लग रही थी तब हम PSI की प्लेस पे PSI पास कर रहे थे, PEI की प्लेस में PSI प्लस टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट माइनस 1 पास कर रहे थे। तो PSI प्लस टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट अभी हम लोग निकाल लेंगे माइनस 1, और इन ऑर्डर के केस में ISI और IDX माइनस 1, ISI और IDX माइनस 1, ठीक है। और राइट की कॉल के लिए क्या था, PSI प्लस टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट प्लस टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट PEI के प्लेस में PEI माइनस 1, ISI के प्लेस में IDX प्लस 1। ये केसेस है राइट की कॉल के लिए, IEI की प्लेस पे IEI। अब हमने यूज किया है IDX ऑफ और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट। IDX कैसे फाइंड कर रहे थे, वाइल का लूप लगा रहे थे, ये वाइल का लूप था, ये वाला लूप लगा देंगे। तो वाइल इन ऑर्डर ऑफ IDX नॉट इक्वल टू पोस्ट ऑर्डर ऑफ व्हाट, इसकी प्लेस पे PEI। इसके बाद IDX को इंक्रीज करते जा रहे थे। अब दूसरा टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए फॉर्मूला क्या था, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए फॉर्मूला था IDX माइनस ISI, ठीक है। तो इतना काम हो गया, अब इसको चेक कर लेते हैं, ये रन हो रहा है तो कुछ एरर आई है, इन ऑर्डर ऑफ IDX नॉट इक्वल्स टू दिस स्कोप, नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप, ओके। IDX was not declared in this scope, ठीक है। तो IDX नहीं है यहाँ पे, पहले IDX को जीरो मार्क कर देते हैं। इनिशियली IDX हमारा क्या था, IDX हमारा था ISI के बराबर, ISI के बराबर था, तो इनिशियलाइज कर देते हैं। और क्या है, और हमने इसको अटैच करना है नोड के लेफ्ट में, ठीक है, नोड के राइट में, और रिटर्न क्या कर देना है, नोड, रिटर्न नोड।
रन करा के देख लेते हैं। रन कराने से पहले एक चीज़ और कि हमने ना नोड डॉट लेफ्ट में अटैच तो किया है, नोड नहीं क्रिएट की है, तो नोड क्रिएट कर लेते हैं। टी नोड एस्ट्रिक नोड इक्वल्स टू न्यू ट्री नोड पोस्ट ऑर्डर ऑफ पी आई, ठीक है। अब रन करा के देख लेते हैं तो सक्सेसफुली रन हो रहा है। सबमिट करते हैं तो सारे टेस्ट केसेस पास हो गए हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन। ड्राई रन से तो ड्राई रन हमने पहले ही ऑलमोस्ट कर लिया था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।